हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए, इससे पहले यूनिट नंबर 4 मैथमेटिकल फिजिक्स का रिवीजन कर रहे थे हम लोग, और मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 में ही काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं रिलेटिविस्टिक वाले चैप्टर में, और रिलेटिविटी वाले चैप्टर में काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। मतलब दो टॉपिक कर लिया हमने, एक तो डॉप्लर इफेक्ट हो गया अपना, और एक क्या हो गया, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग थर्ड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसको बोलते हैं युग्म उत्पादन पेयर प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये 10 मिनट का टॉपिक है, छोटा सा सिंपल सा है। क्या है देखो, देखिए क्या है पेयर प्रोडक्शन, क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन ऐसा होता आता है कि युग्म उत्पादन की घटना जो है वो निर्वात में नहीं हो सकती, प्रूव करो, प्रूव दैट पेयर प्रोडक्शन के नॉट हैपन इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के अंदर निर्वात में क्या होता है, युग्म उत्पादन की घटना नहीं हो सकती, पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अब पेयर प्रोडक्शन क्या है, पहली चीज तो ये, व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन क्या, सुनिए बात को, व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन की कहानी सुनिए, दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है जैसे एक होता है जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और एक दूसरा पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ये दोनों मिलके खत्म हो जाते हैं दोनों, और एक नया पार्टिकल बन जाता है, फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे फोटोन को हम लोग गामा से लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके बनते हैं, तो ये ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन, युग्म संलयन बोलते हैं इसको, पेयर एनिहिलेशन, ये खत्म हो जाता है। इसका एक उल्टा भी प्रोसेस होता है कि एक फोटोन है मान लो, और उस फोटोन से क्या हो गए, दो इलेक्ट्रॉन बन गया एक, और एक पॉजिट्रॉन बन गया, मतलब एक पेयर बनता है, पेयर समझते हो ना, समझते हो आप। तो एक क्या बनता है, एक पेयर बनता है इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का, एक क्या बनता है, पेयर बनता है, इसको बोलते हैं पेयर प्रोड्यूस हो गया, पेयर प्रोडक्शन, युग्म का उत्पादन हुआ है। तो एक गामा मतलब एक फोटोन जो है ना, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो निर्माण होता है, इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब ये जो घटना है ना, ये जो चीज होता है, दिस फिनोमिनन के नॉट हैपन इन वैक्यूम, ये निर्वात में फ्री स्पेस में नहीं हो सकता, कि जैसे एक फोटोन चल रहा है और खुद टूट के इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रहता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है, तब उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में ये चीज हो पाती है, बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ये नहीं हो सकता। मतलब जब फोटोन आ रहा तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, निर्वात रहा ना केवल, ओनली अगर वैक्यूम रहा ना, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये तो मैंने समझाया है कि ये इसका, ये जो प्रोसेस है इसको पेयर एनिहिलेशन बोलते हैं, ये इसको हटा देना, आप इसको मत लिखना, ये लिखना ही। अब फोटोन जो है, फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बन गया, इसको फर्स्ट पार्टिकल बोल लो, इसको सेकेंड बोल लो, राइट। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, पहले वैसे इस पूरे चैप्टर में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं वहाँ पे मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे सुन लो, जो फोटोन होता है ना, फोटोन की एनर्जी होती है वो एच इंटू न्यू, इस तरीके से लिखी जाती है, राइट। इसका दूसरा तरीका ऐसा भी होता है एस सी बाई लेमडा, ये भी एक इसका फॉर्मूला होता है, राइट, क्योंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, तो ये ऐसे भी लिखा जाता है। ये एनर्जी होता है, और जो मोमेंटम होता है ना, पी मोमेंटम, इसको लिखते हैं एच बाई लेमडा, ये इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, लेमडा को मैं सी बाई न्यू, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू बाई सी, ये भी एक तरीका होता है। तो मैं मोमेंटम को लिखूंगा पी इक्वल टू एच न्यू बाई सी, और एनर्जी ये किसकी है, फोटोन की, फोटोन मतलब लाइट का जो बंडल होता है ना, जिसको हम लोग क्वांटम भी बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, फोटोन की एनर्जी दी जाती है एच न्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और पी मोमेंटम जो होता है एच न्यू सी होता है। अगर इस पे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे भी मैं एन केप लगा सकता हूँ यहाँ पे, राइट। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं। तो फोटोन का मोमेंटम संवेग ऐसे लिखते हैं, फोटोन की ऊर्जा को एच न्यू, या लेमडा में लिखो तो वैसे लिखो, इसको लेमडा में लिखो तो ऐसे, फ्रीक्वेंसी में लिखो तो ऐसे, इसको फ्रीक्वेंसी में ऐसे। इतनी बात क्लियर है, चलो ठीक है आगे चलते हैं। ये फोटोन है, फोटोन से पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन बन गया। अब मैं इसमें इक्वेशन लगा रहा हूं, देखो मैं चतुर्विम संवेग की बात करूंगा, फोर मोमेंटम की बात करूंगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फोर मोमेंटम की बात की थी, चतुर्विम संवेग को मैंने बोला था कि इसे ऐसे लिखते हैं पी म्यू वेक्टर इक्वल टू, यहां पर आता है आपका नॉर्मल संवेग,
और यहाँ पे कॉमा आयोटा ई बाई सी, ठीक है ना, उसका एनर्जी और उसका मोमेंटम, राइट। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है ना, विराम द्रव्यमान, वो जीरो होता है, बता देता हूँ आगे यूज होगा। देखिए अब देखो, पहले पार्टिकल के लिए सबसे पहले हम लोग इसके लिए बात करते हैं, इसकी एनर्जी वगैरह क्या है। यहाँ पे किसकी बात की है, फोटोन की बात की है क्या, चलिए फोटोन की बात की है, फोटोन के लिए तो फोटोन का मोमेंटम ये वन मत लिखो यहाँ पे, पी म्यू वेक्टर, फोटोन का मोमेंटम इंटो आयोटा ई बाई सी, ठीक है ना, आयोटा को जैसे लिख रहे हैं, जैसे लिख दो आयोटा से लिख दो की बात है। अब फोटोन का मोमेंटम जो होता है वो होता है क्या, अभी बताया ना मैंने, फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, एच न्यू बाई सी। तो फोटो वेक्टर क्वांटिटी लिखते हो तो यहाँ पे एन कैप और लिख सकते हो आप साथ में, तो मैंने लिख दिया मोमेंटम को एन कैप एच न्यू बाई सी, और इसका जो एनर्जी ये आयोटा ई बाई सी, एनर्जी फोटोन का तो एच न्यू होता है, राइट, ये लिख दिया, ये फोटोन का आ गया। इसका मैग्नीट्यूड अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो, इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दूं अगर मैं, परिमाण निकल के आ जाएगा, तो अगर इसका स्क्वायर करता हूं तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसमें इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका स्क्वायर करूंगा तो एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो एच न्यू बाई सी का होल स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, माइनस वन हो गया तो माइनस वन हो गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसका फोर मोमेंटम का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो फोटोन आ रहा था ना, उसका जो चतुर्विम संवेग है, उसका स्क्वायर जो हमने किया, फोर मोमेंटम का स्क्वायर किया, दैट इज जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो है। अब ये जीरो है तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन इधर का गेम खत्म हो गया, मतलब ये जो घटना हो रही है ना, इससे पहले घटना बनने के बाद में प्रोडक्ट जो है ना, उसका भी कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट पार्टिकल बोल दिया इलेक्ट्रॉन को, और ये पॉजिट्रॉन है, ये गामा था, इसका हो गया गेम, इसका और इसका कैलकुलेट, इलेक्ट्रॉन को इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकंड पार्टिकल, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल का बात करेंगे तो फर्स्ट पार्टिकल का क्या होगा, पी वन म्यू वेक्टर इक्वल टू पी वन वेक्टर आयोटा, मतलब पहले पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, पहले पार्टिकल की एनर्जी जो भी आएगी। सेकंड पार्टिकल के लिए भी सेम चीज करेंगे, ठीक है ना, सेकंड टू टू लिख दिया यहाँ पे, इन दोनों का ऐड कर दिया, तो टोटल क्या हो जाएगा, जो घटना हुई उसके बाद में, मतलब टक, आप अपन बात करते हैं ना टक्कर से पहले, टक्कर के बाद में, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, सेम वैसा सीन है। तो बिफोर कोलिजन तो ओनली क्या था, फोटोन था, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन गए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का ऐड कर दिया, तो ये टोटल क्या आ गया आपके पास में, फोर मोमेंटम आ गया, टोटल चतुर्विम संवेग आ गया, टोटल चतुर्विम संवेग, तो इनको ऐड कर दो, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करेंगे तो इसमें ये ऐड हो जाएगा और इसमें कोमा लग के ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आगे वाला स्टेप में ऐसे आएगा। देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है ना, इधर वाले को, अरे बाप रे स्टेप खा गया क्या यार, चलो अभी रखा नहीं इसका वैल्यू, इधर देखो इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो पहले का स्क्वायर, तो वेक्टर हट जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू इसका इंटू ये इंटू ये, ठीक है ना, ये आ गया, स्क्वायर तो करना आता ही है, राइट है, क्लियर है। अब देखो एक और चीज होती है यहाँ पे, ये चैप्टर है ना जब स्टार्ट करते हैं ना, तो मैंने नोट्स में बता रखा है, जब स्टार्ट करते हैं तो वहां पे पता चलता है फोर मोमेंटम का जो स्क्वायर होता है ना वो क्या होता है, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होता है। कोई भी पार्टिकल का फोर मोमेंटम का स्क्वायर करना तो उसका रेस्ट मास का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होता है माइनस के साथ में, ये स्क्वायर होता है, सॉरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन का पी वन म्यू का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का फोर मोमेंटम का स्क्वायर जो होगा इसके इक्वल है माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। पॉजिट्रॉन का पी टू म्यू स्क्वायर, तो पॉजिट्रॉन का मास आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का दोनों का मास सेम ही होता है, जिसको एम नॉट लिख दिया मैंने, ये हो गया, ठीक है ना, ये दोनों चीजें आई ना, इन दोनों चीजों को यहाँ और यहाँ पे शिफ्ट कर दो, राइट। तो दोनों को यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया और ये यहाँ पे लिख दिया, राइट। तीसरी चीज, ये टक्कर के बाद में मोमेंटम का, अरे टक्कर के बाद में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो मोमेंटम आया ना, फोर मोमेंटम, उसको ऐड किया और उसका स्क्वायर किया, तो ये टक्कर के बाद में आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन अपने पास में जो आया ये आया पी म्यू स्क्वायर, मतलब जो टोटल मोमेंटम है उसका स्क्वायर आया। और बिफोर कोलिजन मतलब बिफोर कोलिजन तो ओनली फोटोन था, उसके लिए हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया ना पी म्यू, उसका स्क्वायर किया था तो वो जीरो के इक्वल आ रहा था, अभी स्क्वायर किया था ना स्टार्टिंग में, तो वो जीरो आया था। और ये आफ्टर वाला क्या है, ये पी म्यू स्क्वायर आ गया, पहले वाला क्या था, जीरो था, और पहले वाला और बाद वाला बराबर होता है फोर मोमेंटम कंजर्वेशन से, कि बिफोर और आफ्टर मोमेंटम क्या रहता है, फोर मोमेंटम का स्क्वायर जो रहता है ना वो इक्वल रहता है, ठीक है ना, इसका मतलब कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो ये जीरो रहेगा, तो
इसका मतलब इधर वाला तो कर दो जीरो, ये तो जीरो पुट कर दो, इन दोनों के वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, बाकी बच गया वो ऐसा आ गया, राइट। आगे चलिए, ये इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये इतना आ गया, और इसको इधर ले आया तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया। अब एक चीज़ ये ध्यान रख लो, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हम डेप्थ में जाके इसको चीज़ को समझेंगे नहीं, इतना ध्यान रख लो। ये जो चीज़ होती है ये क्या होता है, एक से ग्रेटर है, तो ये अगर एक से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये भी एक से ज़्यादा होगा, अरे ये भी एक से बड़ा होगा। चलो ये एक से बड़ा है तो देखो इसको कैसे डील किया हमने, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है भैया, यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो ये वेक्टर लिखा हुआ आ रहा है, ये अभी वेक्टर चल रहा है, अभी लिखा नहीं मैंने, बट लास्ट तक क्या चल रहा है, ये वेक्टर चल रहा है। तो ये क्या है, ये वेब वेक्टर है, वेक्टर है, फाइनली जाके तो ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर बन जाएगा, लेकिन ये वेक्टर चल रहा है, ये वेक्टर वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा एक से ज़्यादा। अब ये पहले पार्टिकल का, पहले मतलब इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिख सकते हैं, मोमेंटम और एनर्जी, इसका भी मोमेंटम और एनर्जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, इसमें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, कोमा के इधर वाला मोमेंटम मोमेंटम से, एनर्जी एनर्जी वाला टर्म से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पी वन वैक्टर डॉट पी टू वैक्टर माइनस, क्योंकि ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आयोटा स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया, इसकी वजह से माइनस आया, अदरवाइज मल्टीप्लाई करते तो ऐड ही करते हैं, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस इसको इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस आ गया इसकी वजह से, ठीक है ना, ये आ गया, क्लियर है, ये ग्रेटर देन वन हो गया। अब ये ग्रेटर देन वन हो गया तो इसको आगे देखो क्या हुआ, ये क्या है, ये P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर है, तो इनको ओपन करेंगे तो P1 डॉट P2 cos थीटा, ऐसे तो होता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो ये cos थीटा आ गया, ये ऐसा ऐसा है, इसको इधर भेज दो तो इधर जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये वन प्लस समथिंग हो गया। ये P1 P2 है, P1 P2 को इधर शिफ्ट किया तो वन से डिवाइड हो गया, और वन को भी डिवाइड कर दिया इससे, और इनको भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो बना है ना, ये इस टर्म में, ये वाला टर्म, इसमें देखो ये क्या है, ऊपर वाला जैसे एनर्जी है E1, और ये जो नीचे वाला है ये ऐसा है, इसको इसमें थोड़ा ठीक तरीके से लिखो तो P1C, और ये P2 into C, ऐसा ही है ना ये टर्म, इसको मैंने थोड़ा सा इस टर्म को ऐसे लिखा, ठीक है ना। एक चीज हम लोग रिलेटिविस्टिक एनर्जी से ये जानते हैं कि जैसे E स्क्वायर जो होता है ना, पी सी का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ऐसा होता है राइट, एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो E है ना एनर्जी, एनर्जी जो है PC से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि PC का स्क्वायर में ये ऐड करते हैं ना, तब जाके इसका स्क्वायर मिलता है। तो मैं सिंपली बोलूँ तो ये जो E है ना एनर्जी, वो हमेशा PC जो है ना इससे इक्वल या ग्रेटर ही होगी, ठीक है ना, कम नहीं हो सकते कभी भी। इसका मतलब कि ये वाला टर्म इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना, ये ज़्यादा ही होगा। ऐसे मान लो कि ये है कितना भी है, मान लो कि ये है, ये है, ये नीचे वाला मान लो कि 1.5 है, तो ये जो आएगा वो मान लो कि ज़्यादा ही होगा, 1.6 है। तो इससे जब डिवाइड करेंगे ना, ये पूरा जब डिवाइड करेंगे ना, तो एक से ज़्यादा ये एटलीस्ट वन तो हो गया होगा। तो इसका वैल्यू है ना, मान लो कि कम से कम आता है तो भी एक तो आएगा ही आएगा इसका वैल्यू, तो एक प्लस समथिंग आ रहा है। इसका मतलब कि मान लो 1.2 आ गया, जैसे 1 प्लस समथिंग आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये cos थीटा जो है 1.2 से ज़्यादा या एक से ज़्यादा आ रहा है। और cos थीटा का वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकता है क्या, ना 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 नहीं हो सकता ना। अरे cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस वन और माइनस वन, तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा जा रहा है। अब एक से ज़्यादा हो नहीं सकता, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब मैंने मिस्टेक क्या की, इसका मतलब मैं जो स्टार्टिंग में लेके आया था ना वो मिस्टेक कर गया। मैंने खाली ये माना था कि मैं एक फोटोन ले रहा हूँ और वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में जाके कन्वर्ट हो गया। मैंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन जो फोटोन है वो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करेगा। मैंने ऐसे बोल दिया कि वहाँ पर फ्री स्पेस है, एक प्रोटॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूट गया, जस्ट ब्रेक हो गया। हमने ये नहीं बोला कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि इंटरेक्शन का हमने कुछ लिखा ही नहीं कि यहाँ पर फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कुछ होता तो कुछ उसका इफेक्ट आता ना, पर हमने कुछ बताया नहीं। हमने खाली ये बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बिना ये कुछ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस में फोटोन आया और वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में ब्रेक हो गया। इसका मतलब हमारी हमने गलती कहाँ पे कर दी, हमने मिस्टेक ही यहाँ पे कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को माना ही नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि फ्री स्पेस में नहीं हो सकता ये, तो फ्री स्पेस में ये पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, यहाँ से पता चलता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स फ्री स्पेस में पेयर प्रोडक्शन का जो फिनोमिनन है दैट कैन नॉट बी हैपन,
राइट, तो ये घटना इसमें नहीं हो सकती मुक्त आकाश के अंदर। चमका, ये सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा दूँ क्या इसको। देखो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। तो ये फोटोन आया, इसमें टूट गया, इसका चतुर्भुज संवेग निकला, टोटल जीरो आ गया। इसका टोटल चतुर्भुज संवेग, इसका फोर मोमेंटम के कैलकुलेट किया, ये आया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करके ये दोनों की वैल्यू रखे। देखो ये चीज़ें है ना, है तो सिंपल ही, समझने में सिंपल ही, लेकिन एग्जाम में आप याद नहीं रख पाते, दो स्टेप के बाद में भूल जाते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चमका क्या, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद में बीच में उठा के एक डेरिवेशन का प्रैक्टिस कर लो 5 मिनट के लिए, जब बीच में गैप ले रहे हो ना दूसरे सब्जेक्ट का, उस टाइम पे बीच में प्रैक्टिस कर लो उठा के, ठीक है ना। इस तरीके से करोगे ना तो हो जाएगा, आपका याद हो जाएंगे। तो आप दिन में अगर दो तीन बार अगर दो तीन अलग अलग डेरिवेशन का प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, मैथमेटिकल फिजिक्स है ना, लोगों को गड़बड़ लगता है, मतलब डेरिवेशन है एक तो इसमें ऐसे डेरिवेशन है कि हर स्टेप में समझना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि जैसे थ्योरी का कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें डेरिवेशन और डेरिवेशन भी ऐसे कि हर चीज़ में आपको लॉजिकल ध्यान रखना पड़ेगा, तो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, और है भी, मैं ऐसे मानता हूँ कि है। वैसे तो अगर समझ में आता है ना और आप सही तरीके से पढ़ते हो तो ईजी लगता है, लेकिन अभी मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ये शुरू से पढ़ने की चीज़ होती है। अभी खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो, राइट, ये हो गया। अब अपने पास में एक तो कॉम्पटन इफेक्ट बचा, वो 20-25 मिनट में कॉम्पटन इफेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आधे घंटे के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से करीबन 2 घंटे के अंदर ये बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आधे घंटे के अंदर मैं छोटे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा इसके, राइट, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है।